हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको झटपट 10 मिनट में नाश्ता बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है चीला। ये है बेसन, 2 कंचुली बेसन ले रही हूँ, 2 कंचुली हम सूजी ले रही हूँ, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हल्दी लेना है, आधे से भी आधा चम्मच हल्दी डाल दिया। इसके बाद हम इसमें सेंधा नमक 1 छोटे चम्मच, उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया और सोया और मेथी ये डाल देती हूँ। इसमें एक प्याज ग्रेट करके डालती हूँ। जब से मैं तवा ऑन कर लूँ, लोहे के तवा में बनाऊंगी, क्योंकि लोहे के तवा में थोड़ा सा कुरकुरा भी बनेगा। ये लोहे के तवा हमने ऑन कर लिया, अब ये गर्म हो जाए, थोड़ा सा इसमें राइस ब्रान ऑयल डाल दूंगी, गरम हो जाए। अब इसका कंसिस्टेंसी तैयार करते हैं। थोड़ा सा प्याज इसमें डाल दूं, ग्रेट करके 1 प्याज, चाहे वो छोटा साइज का हो चाहे वो बड़ा साइज का भी ले सकते हैं, मैं मीडियम साइज का ही ली हूँ। इसमें 4 कंचुली पानी डालती हूँ। पांच कंचुली हमने डाल दिया है। अब इसका पेस्ट मैं तैयार कर रही हूँ। ये चिल्ला बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है, टेस्टी भी होगा। ये कंसिस्टेंसी बन गया, ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला, इसीलिए हमने 5 कंचुली पानी डाला है, ताकि 2 कंचुली सूजी, 2 कंचुली बेसन, ये कंसिस्टेंसी तैयार हो गया। इसमें नमक भी पड़ा है, हल्दी भी थोड़ा सा डाला है। अब देखते हैं, तवा गर्म हो गया तो उसमें डालते हैं। थोड़ा सा फेंट लेते हैं और फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें हल्दी, सॉरी नींबू का रस डाल देती हूँ, ताकि ये कुरकुरा भी बनेगा और स्वादिष्ट भी होगा। और ये हम चटनी बना लेंगे। थोड़े से लहसुन के टुकड़े 4, 2 हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 4 बड़े टमाटर, और इसमें भी हमने हरा धनिया और सोया और मेथी, ये 4 तीनों चीज काट करके अब जा रही हूँ उसमें चटनी पीसने। देखती हूँ कंसिस्टेंसी इसमें डाल करके, पहले 1 कंचुली डालती हूँ, उसके बाद इसको फैला देती हूँ धीरे धीरे, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है। उससे चटनी पीस के तैयार हो जाए।
चौकोर कंसुली ले लेंगे, इससे आराम से पलटते बनेगा। थोड़ा सा और हो जाए पर आँच धीमी कर देंगे, बहुत तेज नहीं करना है। जब गर्म हो जाए तो आँच धीमी कर देंगे, धीमा करके। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है बच्चों के लिए भी। सुबह झटपट अगर आपको तैयार करना है चिल्ला तो इस तरह से बनाएं। हल्का सा राई, कोई भी आप चाहे कोई भी वेजिटेबल ऑयल या राइस ब्रान ऑयल डाल सकते हैं। थोड़ा सा कुरकुरा होगा, अब एक और बना लेती हूँ। तैयार हो गया, एक और चिल्ले बना के आपको रेडी करती हूँ। थोड़ा सा और टाइम देती हूँ, धीरे धीरे हाथ से इसको चलाते हैं। बच्चे जल्दी से चटनी भी नहीं खाते हैं, या तो सुबह चाय के साथ नाश्ता या इसको खा के फिर दूध पी के स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेहतर है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने हरा धनिया और सोया और मेथी काट के रख लिए थे, उसको भी डालते हैं। हल्का सा इसमें वेजिटेबल राइस ब्रान ऑयल डालते हैं। ये देखिए कितने आराम से लोहे की कढ़ाई में निकल जाता है। नॉन स्टिक में भी आप बना सकते हैं, मगर लोहा हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लोहा में आयरन भी होता है और अच्छे तरीके से निकल भी जाता है। ये देखिए कुरकुरे और हल्दी बन रहा है और चिल्ला, ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, बच्चे क्यों बड़ों को भी, क्योंकि इसमें बेसन भी है सूजी भी है। जब से चटनी बन के तैयार होगा थोड़ा सा कुरकुरा भाग रहेगा, थोड़ा हल्का सा फ्रेश कर रहा हूँ। ये सुबह का नाश्ता, हेल्दी नाश्ता। थोड़ा गैस को धीमा कर देते हैं, हल्का सा तेल डालते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, बिल्कुल कम। ये आपका तैयार है, चटनी भी तैयार है बनके फ्रेंड्स। चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये गरम गरम ना गरम चिल्ला आपके लिए तैयार है। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।